मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अरे यार, सही कहा ना? अच्छा बोल रहे हो। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं राजा, आज 11 फरवरी 2019 है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और आज एक और टूर में हम लोग निकल रहे हैं। देवाशीष आने वाला है, देवाशीष से आप मिलोगे कुछ देर बाद। तो दोस्तों, फिलहाल हम सांतरागाछी जाने वाले हैं। सांतरागाछी से हमारे ट्रेन है 228-57 आनंद विहार एक्सप्रेस, वो ट्रेन हम पकड़ेंगे जो 8:55 के टाइम पे सांतरागाछी से छूटने वाली है। तो चलिए देखते हैं कितने दूरी तक हम शूट कर पाते हैं और बने रहिए जर्नी एक्सप्रेस के साथ। अभी हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम सांतरागाछी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख रहे हो, देवाशीष टिकट काउंटर में गया है सांतरागाछी के लिए टिकट इशू करने के लिए। देवाशीष हम लोगों को चाय पिलाएगा इस बार। तो दोस्तों, सांतरागाछी स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी 8 बजे है। तो फिलहाल चाय टाइम, तो देख रहे हो आप मेरे हाथ में 2 चाय है, एक राजा के लिए, मेरे लिए। तो चलिए चाय के बाद मिलते हैं। देवाशीष खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यही है वो वाला कोच, देखो वहां से खुला है कि नहीं। हाँ खुला है। मिल गया। हाँ मिल गया, ये 79.80। सरप्राइज की बात है कि पुरुलिया मेरा नौनिहाल भी है। यहाँ पे मेरे दादा दादी, मेरे मौसा मौसी और मेरा कजिन ब्रदर भी रहता है यहाँ पे। देवाशीष टोटो वाले को पूछने गया है। जा रहे हैं वहाँ पे, रूपसी बांग्ला होटल है, ठीक है ना?
तो ये भैया हमको लेके जाएंगे 20 रुपए पर हेड, ठीक है ना, देख लो। तो अभी हम पुरुलिया के एक फेमस बोटिंग स्पॉट है साहेब पार, वहाँ पे जा रहे हैं। ये है बोटिंग पॉइंट की एंट्री, ये गेट। ये जो आप बोट देख रहे हो, इसका प्राइस है हाफ एन आवर के लिए 300 रुपीज, यानी आप इसमें 2 जन जाओ, 4 जन जाओ, 6 जन जाओ, आपको 300 रुपीज देना पड़ेगा। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप शेयरिंग में जाओ, तो आप सबका पॉकेट कुछ हल्का होगा। तो चलिए दोस्तों, राजा ने फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया है, साहिब बात की इन्फॉर्मेशन, तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। देवाशीष, अभी थोड़ा कुछ फोटोग्राफी के लिए आप देख सकते हो, देवाशीष उसको फोटोग्राफी का काफी शौक है। ये काफी सुंदर इलाका है, पुरुलिया ने हाल फिलहाल में काफी तरक्की किया है। अगर आप हमारे जैसे यानी सातरागाछी आनंद विहार को पकड़ के भी आते हो, जो 2:30 बजे आपको पुरुलिया पहुंचा देगी, तो भी आप शाम को यानी 4:15-4:30 बजे से यहाँ से बोटिंग शुरू होती है, यहाँ पे बोटिंग का मजा ले सकते हो। वाटर स्पोर्ट्स की भी यहाँ पे फैसिलिटीज है, आप देख सकते हो बच्चे मजा ले रहे हैं इसका। ये जिला विज्ञान केंद्र जो है, आप इसमें विजिट कीजिएगा, काफी साइंस की काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे रखी हुई है, जरूर देखिए। विश्वनाथ चाट सेंटर का चाट कैसा है? चाट जैसे ही टेस्ट है, अच्छा है ना, पता कैसा लग रहा है, ठीक है ना, चाट जैसे की नामटा की नामटा की माना এটা আলাদা এটা আলাদা যেটা বলবো এটা চানা বলে এটাকে আলু কাটা বলো আলু কাটাই দাও চানা ও তুই তো কাস না না তুই তুই দাও लोकल फूड है, आप देख सकते हो यहाँ पे आलू काटा कहते हैं इसे, इसे आलू काटा कहते हैं, और इसमें चना भी है, यहाँ पे दो आइटम है यहाँ पे। भालू करे बनाओ, एकदम भालू करे बाबू, तो मतलब पुरुलिया के इतने दिखाते हैं, साराम 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 साराम, जाल 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 खावे, हाँ जाल 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 खावे, हाँ यहाँ पे झाल का मतलब स्पाइसी है और थोड़ा तीखा है, जो हिंदी में तीखा कहते हो वो यहाँ पे बंगाली में झाल बोलते है। अच्छा तेतुल दीजिए, तो तेतुल दिए दो, दिए दो, तेतुल का मतलब इमली है, इमली डाल रहे हैं यहाँ पे। चलिए खट्टा मिर्चा, खट्टा मिर्चा देखते हैं। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो देवाशीष के हाथ में आलू काटा है ना, आलू काटा, तो कैसा है जरा बताओ। मुझे लगता है स्ट्रीट फूड में, बंगाल के स्ट्रीट फूड में सबसे अच्छा यही है, अच्छा यही है ना। इस अंकल के दुकान के ये जो है आलू काटा, इनको अगर टेस्ट नहीं किया तो मतलब कुछ भी टेस्ट नहीं किया आप लोगों ने, है ना। अब अगर आप टेस्ट नहीं करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। चलो मैं भी, अच्छा चलो जल्दी जल्दी देखते हो, ऐसा लग रहा है भाई यार, सही कहा ना, अच्छा झालू मार, क्यों हाईली रिकमेंडेड है ना, हाईली हाईली, इतना अच्छा स्ट्रीट फूड मैंने शायद अपने बैरकपुर में भी नहीं खाया होगा। तो वो अपना नाम बोल दो। हमारा नाम अदृष्ट महतो, फिर से एक बार फिर से, अदृष्ट महतो, अदृष्ट महतो, बहुत ही अच्छा बनाया है काकू,
सब समय थाको ना माने सब समय आछ ना तो गाइस कभी भी अगर आओ इस यहां पे तो अदृष्ट मां तो इनके दुकान में जरूर आना आलू काटा खाने के लिए ये रिकमेंड है हम लोगों की तरफ से सामने जो आप होटल देख रहे हो ये है होटल आकाश सरोवर यहाँ से झील का पूरा अद्भुत नजारा दिखता है काफी सुंदर होटल है ये काफी बढ़िया होटल भी है होटल गोकुल वाटिका नियर लेक ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है पुरुलिया में ये लेक रोड के सामने